तो आज हमारे पास एक 44 साल की एम्पलीफायर बोर्ड दे दो, तो बोर्ड नहीं दे दो, हमारे पास एम्पलीफायर दे दो। दोस्तों इस एम्पलीफायर में कस्टमर का कहना था कि इसमें हमें माइक चलाना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें माइक चलाने को उसके पास ये कह रहे थे इसमें कोई भी हमारे पास ऐसा साधन नहीं है जिससे हम इसमें माइक चला सके, इसमें हम अलग से प्लेट भी नहीं लगा सकते, पर इसमें हमें अच्छा माइक कैसे चला सकते। तो 44 साल में एक अच्छा माइक चलाने के लिए दोस्तों आप लोग इसमें करना क्या होता है उसके बारे में हम आज में बात करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास 44 साल एम्पलीफायर में कभी भी आप अगर माइक लगाना चाहते तो उसमें माइक किस तरह लगा सकते दोस्तों। माइक लगाने से पहले तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि ये आप डिस्प्ले देख रहे हो, डिस्प्ले में आपको माइक का ऑप्शन देखने को मिलता है या नहीं मिलता। जैसे किसी किसी डिस्प्ले में, जैसे हमारा यहाँ पर माइक है लिखा, ठीक है, तो माइक किसी किसी में सिर्फ दोस्तों ये वाले सिंबल सारे होंगे बने, वो माइक नहीं होगा दोस्तों, उसमें माइक नहीं चलेगा। जिसमें दोस्तों माइक का ऑप्शन मिलेगा देखने को उसी में आपका माइक चलेगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का आप लोग याद रखना, अगर आपके कार्ड पर माइक लिखा हुआ है तभी उसमें माइक चलेगा वरना नहीं चलेगा। अब दोस्तों मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा, अब इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप लोग इसे कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करने से किस तरह आपके कनेक्शन करोगे जिससे आपका माइक चलेगा, ठीक है दोस्तों। हम एम्पलीफायर को इस तरह पीछे की साइड को मोड़ लेते हैं और अब हम यहाँ पर बात बताते हैं आपको इसमें आपको करना क्या होगा। जैसे कि दोस्तों आपका ये वाला है ऑडियो का ग्राउंड, ठीक है दोस्तों, ये वाला है आपका इसका 5 वोल्ट का ग्राउंड दोस्तों। इन दोनों ग्राउंडों में दोस्तों जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है दोस्तों। बहुत से भाई क्या करते हैं, बस सिर्फ दोस्तों यहाँ से ग्राउंड देते हैं, यहाँ से ग्राउंड नहीं देते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर कार्ड नहीं चलता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वाले को हमें दोस्तों यहाँ पर अपनी बॉडी पे, हमने यहाँ पर इस वाले वाले को बॉडी पे अटैच कराया और यहाँ इस वाले को प्लेट से हम जो हमने प्लेट वाले कंडेंसर का दोस्तों माइनस है, माइनस को भी हमने यहाँ पर बॉडी पे अटैच कराया। इससे दोस्तों हमारी हमिंग नहीं आती, इस चक्कर में हमने बॉडी पर अटैच कराया और दोस्तों ये वाला हमारा हो गया इससे। और ये वाला दोस्तों हमने कहाँ पर, जो ये वाला है, ये वाला हमने करा है अपने ट्रांजिस्टर, ये है दोस्तों 78.05, ठीक है दोस्तों। 78.05 हमारे कहाँ पे लगा हुआ है, इस पर 12 वोल्ट पे, 78.05 के दोस्तों हमारे जो वायर आए हैं वो दोस्तों यहाँ पर एक माइनस ये है और प्लस ये है, इस पर हमने दोस्तों लगाया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको इस तरह से ही कनेक्शन करना है, इसको भी दोस्तों आपको माइनस से जोड़ना है, इसको भी आपको दोस्तों माइनस से जोड़ोगे दोस्तों, आप दोनों को जोड़ोगे तभी आपका माइक काम करेगा वरना नहीं करेगा। अब दोस्तों माइक कनेक्शन करने का, माइक कनेक्शन आपको दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। इन दोनों पॉइंट को अगर हम कार्ड को उल्टा पकड़ेंगे दोस्तों इस तरह से, जैसे कि हमारे यहाँ पर माइक लिखा हुआ आ रहा है MIC माइक और यह है ग्राउंड, ठीक है दोस्तों, माइक ग्राउंड, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम दोस्तों कनेक्शन किस तरह करें, कनेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, आपको इस तरह का कनेक्टर ले लेना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये वाला हमारा कनेक्टर है, माइक का कनेक्टर दोस्तों। तो इस कनेक्टर में हमें दोस्तों ये वाली जो आप जो देख रहे हो लोग दोस्तों, ये वाली हमारी है ग्राउंड, ये वाली हमारी ग्राउंड हमारी कहाँ जाएगी, ये वाली हमारी जाएगी माइक के ग्राउंड पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ग्राउंड लिखा है, जैसे कि ये वाली हमारी ग्राउंड जाएगी दोस्तों। इसके पीछे वाली पिन है, जैसे कि ये वाली हमारी जाएगी दोस्तों यहाँ पर माइक पर, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का हमें यहाँ पर हम वायर को अटैच कर देंगे इस तरह से हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, आपको अटैच कर देना। अटैच करने के बाद आपका माइक प्रॉपर ही हमारा यहाँ पर वर्क करेगा। वर्क किस तरह करेगा, पहले हम अपने मोबाइल को सेट कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पर अपने तार लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। माइक को नहीं, मतलब अपने मोबाइल को सेट करते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर अपने सेट करा, अब दोस्तों हमें इसमें तार लगाना कैसे, इसकी हमारा ये वाला है, ये वाला हमारा दोस्तों उधर वाला हमारा ग्राउंड है दोस्तों, ये वाला दोस्तों हमारा इसका ग्राउंड है, और ये वाला जो आप दोस्तों देख रहे हो ये वाला हमारा इसका हो गया प्लस। अब दोस्तों इसे हम आगे की साइड रख देते हैं, अब इसमें माइक अपना ऐड करते हैं, ठीक है दोस्तों। माइक को अटैच करते हैं, उसके बाद हम आपको इसका सॉन्ग चेक कराते हैं। ये हमने यहाँ पर माइक रख लिया, ये वाला यहाँ पर रख कर दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पर अपने डेक को ऑन करेंगे और यहाँ पर अपने स्पीकर के वायर को पहले हम लगा लेते हैं। एक वायर हमारा लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। एक वायर को हम और ऐड करते हैं यहाँ पर ऊपर की साइड, नीचे की साइड। ये हमारे FM बज रही है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी अभी FM बज रही है। अब हम इसे माइक को किस तरह चलाएंगे, आपको इस तरह से निकाल लेना है। जैसे अब आपको अगर FM के जैसे गानों के साथ साथ माइक चलाना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों यहाँ पर इसके साउंड कम करना है। जैसे हमने यहाँ पर, आप डिस्प्ले पर ध्यान देना, पहले आपको ये वाला बटन दबाना है AUX, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर अपना माइक को लगा लिया है दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा माइक यहाँ पर कंप्लीट है। हमने AUX मोड इसलिए लगाया दोस्तों, कोई हमें गाने पर नहीं बजाना, ठीक है दोस्तों। हम इस वाले स्कैन बटन को आपको 2 सेकंड आपको प्रेस करे रहना है इस तरह से, ये हमारा ऑन आ गया, ON आ गया लिख के। अब देखो
हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक। जैसे कि आप ऊपर की साइड देख सकते हो दोस्तों, हमारे स्पीकर में आवाज़ आ रही है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको अपने माइक को अटैच कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से आप